राजा लोग करता था ना, राजा का बेटा आया, उसका नाती आया, वो राजनीतिक लोकतंत्र आया है, परिवर्तन के लिए आया है। पहले वैसे चलता था लेकिन अब नहीं चलेगा। आज भूतबंगला के सामने मंदिर जाके देख लीजिए, इतना गड्ढा मिलेगा, बेटी पुतो लोग जाकर नहीं जाता है, इसको कोई नजर नहीं आता है। परिवर्तन यहाँ होता है ना, परिवर्तन तब चाहिए जब हमारा विधायक काम नहीं करता। खाली रैली में 500 इसको दे दो, 500 इसको दे दो तो उड़ गया। मंदिर के बारे में सोचिए, कोई कमाए कोई खाए कोई ये, सब मरेगा, सब एक जगह जाएगा, फैसला लेगा ऊपर वाला। यहाँ कहावत है कि अर्जे कुटल था मर्दे धान, इसी तरह हम लोग मर्द हैं, औरत बोलता है धान कूटो तो कूटते रहते हैं। यहाँ एक चीज है, अनुभव की जरूरत नहीं है, यहाँ अनुभव करने वाले एक व्यक्ति नहीं है, बेरमो विधान में हजारों हजार व्यक्ति अनुभव को, उसको मौका मिलना चाहिए और मौका देना चाहिए, बिल्कुल मौका देना चाहिए। ये जो बोलता अनुभव, कोई अनुभव नहीं हमारे, क्या बेरमो में क्वालिफाइड आदमी नहीं है, अनुभव नहीं भाई उसके पास क्या का, उसको मौका देना चाहिए। खिलाड़ियों में क्यों परिवर्तन करते रहता है, ISIPS को क्यों चेंज करते रहता है, आपके पास मौका मिलना चाहिए। ये कभी राजा लोग करता था ना, राजा का बेटा आया, उसका नाती आया, वो राजनीतिक लोकतंत्र आया है, परिवर्तन के लिए आया है। पहले वैसे चलता था लेकिन अब नहीं चलेगा, मतदान के माध्यम से चलता है। 3 कैंडिडेट रनिंग में है, 3 जिसका वोट आएगा वो राज करेगा। अच्छा, कौन कौन है, है? कौन कौन है? 3 एक अनूप सिंह जी है, रविंद्र पांडे जी हैं और जयराम महतो जी हैं। लेकिन जयराम महतो तो बोलते हैं काटने पीटने की बात करते हैं, वैसा कुछ बात नहीं है, आवेश में कुछ भी बोल देता है, उसके जैसा गुड आदमी कोई नहीं है। किसके जैसा? जयराम महतो। बात कर रहा, बोल रहे कि गुड आदमी कोई नहीं है, 3 आदमी में बेशक। उनके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे इंसान है, अच्छे इंसान है, युवा है, योग्य है, सब ठीक है, लेकिन अब जनता जिसको चाहेगी वही जीतेगा। और परिवर्तन तब चाहिए जब हमारा विधायक काम नहीं करता हो, उठा के पटक दीजिए। हम भी कह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन कब परिवर्तन होना चाहिए? जब वो काम नहीं करे, जनता की बात को नहीं सुने, उस वक्त आप परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए बताइए क्या बोल रहे हैं, बताइए। हमारा बेरमो के क्षेत्र का आदमी जितना भी है बहुत बढ़िया आदमी है और बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोलता है। एक छोटा सा मेरा शहर है, एक छोटा सा शहर है, आज कैलाश सिंह जो सिनेमा हॉल बनाया है तो बहुत दूर आदमी बोलता है कि फलाना सिनेमा हॉल कैलाश सिंह का है। जब हमको नारा नहीं बांधने आता था ठीक से, आज भूतबंगला के सामने मंदिर है, मेरा बाप दादा कितना गुजर गया, इतना इन लोग राजनीतिक करता है कि कौन आदमी पूजा करने आएगा। मेरा बहु बेटी लोग आएंगे ना, लोकल आदमी, ये लोग सुंदर मंदिर नहीं बना सकता है। कौन नहीं बनाया? यहाँ के MP है, विधायक है, सबको है हमारा बेरमो क्षेत्र में। आज भूतबंगला के सामने मंदिर जाके देख लीजिए, इतना गड्ढा मिलेगा, बेटी पुतो लोग जाकर नहीं जाता है, इसको कोई नजर नहीं आता है। परिवर्तन यहाँ होता है ने, आप वहां से जाइए। आखिर कौन बहु बेटी नहीं सो कहता है कि मेरा मंदिर में जाएंगे तो अच्छा पूजा करेंगे, अच्छा मंदिर है। आज आज मेरा जाइए वहां पर, क्या बोलते हैं, अंगबाली में मंदिर देखिएगा, दिल खुश हो जाएगा। फलाना जगह जाइए मस्जिद, उसको दिल खुश हो जाएगा। जाति पात तो होती ही रहेगा, मगर अपना जो ऊपर वाला, जो ऊपर में क्या जवाब दीजिएगा उसके लिए भी तो कुछ कीजिए। तो आप बोल रहे हैं अनूप सिंह काम नहीं किए? अरे कहाँ कोई काम किए हैं, वो मंदिर नारा नहीं मानने आता था, उस घर से मंदिर है भूतबंगला के सामने, वो जाके देख लिए, वहाँ वीडियो कर लीजिएगा। यहाँ MP विधायक सब है, मगर आज तक ले मंदिर नीचे जा रहा है, ऊपर आना चाहिए, नीचे ही जा रहा है। ये मंदिर क्या कसूर किया है, वो भगवान वहाँ का कसूर किया है क्या? बेरमो आदमी का बेरमो के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, उसके रोजी रोटी के लिए, सब के लिए बोलता है, मगर भूतबंगला के बारे में कोई बोलता है? अभी आ गया योगी जी, उसके सामने बोलना चाहिए कि हाँ मंदिर बना जाइए। मोदी जी आए कहाँ कहाँ, उसको बोलना चाहिए क्या? भूतबंगला का मंदिर कोई बाहर के आदमी आता तो कोई बोलता फलाना फुसरो है बाबू, बेरमो में मंदिर है एक ग्रेड, कोई इसके बारे में कहाँ सोचता है? काहे नहीं सोच रहा है, काहे नहीं सोचता है? तो पूछिएगा, आप लोग मीडिया वाले हैं, उसको आप पूछिएगा ना। तो कभी अनूप सिंह के सामने ये बात नहीं रखे, हम लोग क्या बोलेंगे उनको? यहाँ से यहाँ जुलूस निकलता है, यहाँ से यहाँ रैली निकलता है, तो ये देखने की चीज नहीं है? खाली रैली में 500 इसको दे दो, 500 इसको दे दो तो उड़ गया। मंदिर के बारे में सोचिए, एक मुसलमान होके बोल रहे हैं मंदिर के बारे में, मुसलमान के बच्चा है, भगवान से डरिए। नेता नहीं पूछने आता था, उस घड़ी से मंदिर देख रहे हैं।
मंदिर के बारे में कोई नहीं बोलता है सर, अपना सब पेट के बारे में बोलता है। बिल्कुल सही ये चीज कभी बोलिए, आप 1 लाख का बात बोले हैं। चलिए और सब कोई कमाए कोई खाए कोई ये सब मरेगा, सब एक जगह जाएगा, फैसला लेगा ऊपर वाला कि तुम करके करके कहा है, तुम्हारा दरवाजा सामने मंदिर था तुम नीचे ले जा रहा था, ऊपर उठाना चाहिए, नहीं बनाया। आज मंदिर देखिए, इससे बेहतर मंदिर मिलेगा हमारा दामोदर नदी में, इससे बेहतर मंदिर मिलेगा दामोदर नदी में। मंदिर को तो टाइल से मार्बल लगा देना चाहिए। लेकिन ना बीजेपी की ना कांग्रेस की ना कोई नहीं किया, सब पेट भरवा है तो सब पेट भरवा है। अपना मस्जिद और मंदिर के बारे क्या करेगा, चंदा करेगा तब करेगा, इसके बारे सोचो। मरेंगे तो क्या जवाब देंगे भगवान को? सिर्फ मंदिर ही मुद्दा है कि और कोई मुद्दा है? बहुत मुद्दा है, बताइए जरा। बहुत मुद्दा है, क्या बताए। यहाँ कहावत है कि अर्जे कुटल था मर्दे धान, इसी तरह हम लोग मर्द हैं, औरत बोलता है धान कूटो तो कूटते रहते हैं, क्या करें, कहाँ जाएंगे, कूट कूट के आवे घर और दो राशन पानी खाओ। अभी हमारा बेरमो क्षेत्र में कितना कितना प्लांट है, कितना प्लांट है हमारा, चंद्रपुरा में है, आपको थर्मल बोकारो में है, स्टील सिटी में है, क्या हम लोग को 20-20 हजार की नौकरी बूढ़ा आदमी नहीं लग सकता है? तो क्या कीजिएगा। कहावत है कि अर्जे कुटल था मर्द धान, तो सीधर कुटा रहा।